नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। भाई दिन भर इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत कुछ हुआ है, तो कुछ जरूरी चीजें जिन पे हो सकता है आपका ध्यान ना गया हो उन्हें अब जान लीजिए। पहली खबर, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। 7 जनवरी की शाम उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सोशल मीडिया पर इस वक्त हर तरफ वही छाई हुई है। दीपिका दिल्ली में थी अपनी फिल्म छपाक के प्रमोशन के लिए। छपाक 10 जनवरी को रिलीज हो रही है। रिलीज से ठीक 2 दिन पहले ट्विटर पर दो चीजें ट्रेंड करने लगी। पहली, #boycottchhapaak, दूसरी #isupportdeepika। अब ये क्यों हो रहा है, अगर नहीं पता तो आपको बता देते हैं। 7 जनवरी की शाम दीपिका पहुंची JNU। दरअसल 5 जनवरी की रात JNU में मास्क पहने कुछ गुंडों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई थी। डंडे और लाठियों से स्टूडेंट्स और टीचर्स को पीटा था। इस वारदात में करीब 28 लोग घायल हुए। इसके बाद पूरे देश में JNU में हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस हिंसा की आलोचना की ट्विटर पर। इन सब में जो एक नाम सबसे आगे बढ़कर सामने आया वो है दीपिका का। दीपिका JNU गई, वहां वो JNU SU यानी कि JNU की जो स्टूडेंट्स यूनियन है उसकी प्रेसिडेंट आयशे घोष से हाथ जोड़कर मिली। आयशे घोष पर भी हिंसा के दौरान हमला हुआ था। दीपिका JNU में लगभग 15 मिनट तक रही। इस दौरान कन्हैया कुमार भाषण दे रहे थे। दीपिका ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो स्टूडेंट्स के साथ चुपचाप वहां खड़ी रही, फिर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। इसके बाद ट्विटर पर एक जंग सी छिड़ गई। कई लोग दीपिका के JNU जाने से काफी खफा थे। उन्होंने दीपिका को ट्रोल करना शुरू कर दिया। बॉयकॉट छपाक को लेकर 3 लाख से ज्यादा ट्वीट अब तक किए जा चुके हैं। #isupportdeepika पर भी जमकर ट्वीट हुए थे कल रात तक। ये जंग अभी भी जारी है, पर सिचुएशन अब कुछ ऐसी है। बॉयकॉट छपाक अभी भी ट्विटर इंडिया का टॉप ट्रेंड बना हुआ है, यानी #1 पे है, और आई सपोर्ट दीपिका ट्रेंड में कहीं भी नहीं दिख रहा। दूसरी खबर, जावेद अख्तर ने JNU हिंसा पर कुछ ऐसा कहा है कि वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। क्या कहा? ये एंटी नेशनल्स हमारे बेचारे गुंडों को ठीक से लाठियां भी नहीं लहराने देते। लेकिन ये क्यों कहा, किन के लिए कहा और क्या है ये पूरा मामला? किसी भी मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने वाले जावेद अख्तर आयशे घोष पर हुई FIR से काफी परेशान है। उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि पीड़ित को कैसे सजा मिल सकती है, और इसी अविश्वास में उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट सीधा नहीं है, थोड़ा सरकास्टिक है। जावेद अख्तर ने लिखा कि JNU SU की प्रेसिडेंट के खिलाफ की गई FIR पूरी तरह समझ में आती है। इसकी यानी कि आयशे घोष की हिम्मत कैसे हुई एक राष्ट्रवादी देश प्रेमी लोहे की रॉड को अपने सिर से रोकने की। ये एंटी नेशनल्स हमारे बेचारे गुंडों को ठीक से लाठियां भी नहीं लहराने देते। ये अपने शरीर को बीच में घुसा देते हैं। मुझे पता है इन्हें चोटिल होना, मार खाना पसंद है। बता दें कि JNU में हुई हिंसा को लेकर आयशे घोष के खिलाफ भी FIR हुई है। हालांकि वो भी हमले में बुरी तरह घायल हुई थी। पुलिस का कहना है कि जिस दिन ये हंगामा हुआ यानी कि 5 जनवरी को, उस दिन वाली FIR में घोष का नाम नहीं है। लेकिन इससे पहले 3 तारीख को जो सर्वर तोड़ा गया था JNU में, और उसके बाद 3 और 4 जनवरी को जो बवाल हुआ था, उन वाली घटनाओं में 1 FIR में आयशे घोष का नाम शामिल है। तीसरी खबर, ये भी JNU हिंसा से जुड़ी हुई है। मुंबई में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया पर सैकड़ों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग पोस्टर पकड़े खड़े हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई नारे लगा रहा है। इसी बीच एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान आजादी के नारे लग रहे हैं। अब एक बुजुर्ग शख्स आजादी के नारों पर नाच रहे हैं। उनका वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया और देखते ही देखते ये वायरल भी हो गया। आप भी देखिए। अब आते हैं चौथी खबर पर। देश भर में CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। ऐसा ही एक प्रदर्शन बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में भी हो रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ये तस्वीर है 101 साल के स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर हरोहल्ली दोरोस्वामी की। वो भी बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे। बाद में उन्होंने बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ अपनी भूख हड़ताल तोड़ी नारियल पानी पीकर। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही है। जाते जाते ये वीडियो देखिए, तमिलनाडु की है। इसमें एक शख्स बाइक चला रहा है, हेलमेट पहने हुए है।
पीछे कुत्ता बैठा है। मजे की बात यह है कि कुत्ते ने भी हेलमेट पहनी हुई है। पंजे बड़े मजे से बाइक चलाने वाले के कंधों पर रखे हैं। ट्विटर पर कई लोगों को ये तस्वीर काफी पसंद आ रही है। कई लोग कुत्ते की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। अब कुत्ता इंसानों की तरह तो बाइक पर बैठ नहीं सकता, उसका बैलेंस बिगड़ सकता है, वो गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है। खैर, ट्विटर पर यह तस्वीर खूब शेयर की जा रही है। आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।